उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिन के गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 185 करोड़ रुपयों की 20 परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज किया। इस मौके पर सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक दिया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। जब इसका लाभ समान रूप से सबके पास में पहुंचाने का हमने वादा किया था, और उसी वक्त से हमने ऐसी स्कीमें बनानी शुरू की ताकि सभी इससे फायदा उठा सके। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के हुए हिंसक प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून के नाम पर लोग जिन्होंने हिंसा फैलाई, जिन उपद्रवियों ने हिंसा फैलाई, पब्लिक प्रॉपर्टीज को जलाने की किसी की इजाजत नहीं अब दी जा सकती है। इसलिए सरकार सख्त है। जो विदेशी धन पर पलकर भारत के खिलाफ में साजिश करते हैं, वो लोग भारत में रहकर भारत के लोगों के टैक्स पर शिक्षा संस्थानों में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भारत के खिलाफ नारेबाजी करने का प्रयास करते हैं। देश में बहुत सारे संस्थानों में इस प्रकार की शिकायतें आई थी। कुछ संस्थाओं ने भारत विरोधी मुहिम चलाने कर और ऐसी मुहिम चला करके एक तरीके से इसे अपना धर्म युद्ध समझ लिया। ये सही नहीं है। तो आज की ये तस्वीरें, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर 185 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, कई सारी नई स्कीमों की शुरुआत आज हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये गोरखपुर का दौरा है, जहां पर मुख्यमंत्री ने आज इस कार्यक्रम में शिरकत करके गोरखपुर वासियों के लिए इन तमाम योजनाओं और परियोजनाओं के सौगात के तौर पर उन्हें नए साल की शुरुआत से पहले ही उनके लिए एक खुशखबरी की तरह आज के दिन को बनाया, और इस तरीके से तस्वीरें सामने आईं। शिक्षण संस्थाएं केवल हमारे लिए सर्टिफिकेट अर्जित करने या डिग्री प्राप्त करने के माध्यम मात्र नहीं है, अभी तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से हम उस चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में कहीं ना कहीं प्रगति में बाधक बने हुए हैं। प्रगति में बाधक बनना शासन जन सहयोग से शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करने का प्रयास करती है, स्कूल खोलती है, कॉलेज खोलती है, विश्वविद्यालयों की स्थापना करती है, अच्छे अच्छे संस्थानों की स्थापना करती है, लोगों के आवागमन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। यह पैसा किसी सरकार की अपनी जेब का पैसा नहीं होता है, यह किसी व्यक्ति का अपना पैसा नहीं होता है, यह अंततः समाज का पैसा होता है, जनता का पैसा होता है।